अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हमें बात करनी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने कैलकुलेट करना है इरेगुलर शेप का। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसे कहते हैं बाय यूजिंग थिन लेमिना एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट बोर्ड के पेपर में लॉन्ग में आया हुआ है, बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट है। इसमें आप यूज करते हो प्लम्ब लाइन मेथड। क्या यूज करते हैं जी? प्लम्ब लाइन मेथड। इसमें होता क्या है, अपरेटस में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं? एक रस्सी के साथ आप कोई मेटल बॉब अटैच कर लेते हो, तो इसको हम प्लम्ब लाइन का नाम देते हैं। आपके पास फर्ज करें कोई कार्डबोर्ड है, आपने उसकी डिफरेंट शेप्स करके उसको काटा, ये अब ये कोई इररेगुलर शेप बन गई है। इस इररेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करना है तो बहुत आसान तरीका है। आप क्या करें, एक कील लें और यहाँ पे होल करके यहाँ पे इस कील को इंसर्ट कर दें, लगा दें, उस कील के साथ इसको इलाके यहाँ पे अटैच करें। जहां भी ये वर्टिकली आके बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी, इसके नीचे एक पेंसिल के साथ लाइन लगा दें जहां भी बिल्कुल बैलेंस हो रही है। फिर एक इस एंड पे होल करें और एक इस एंड पे होल करें, इसको ए बी और सी के नाम दे दें। इस प्लम लाइन को उठाया और यहां पे लेके गई, यहां पे बिल्कुल बैलेंस हो रही है, यहां से आके इसको थोड़ा सा इधर लेके आओ, फिर यहां पे भी लेके आओ और यहां पे लाके फिर इसको थोड़ा सा मूव करवाओ। तीनों प्लम्ब लाइंस या प्लम्ब लाइन इस लाइन पे आके जहां पे दोनों या तीनों इंटरसेक्ट करेंगी, तीनों इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे आके करेंगी, उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आपने यूजिंग थिन लेमिना एक्सपेरिमेंट में प्लम्ब लाइन मेथड का इस्तेमाल करना है। करना क्या है कि आपने एक कार्डबोर्ड लिया इरेगुलर शेप का, उसके बिल्कुल टॉप पे लेफ्ट और राइट एक्सट्रीम पॉइंट्स पे जाके तीन होल किए, हर एक पे आपने स्ट्रिंग को विद अ बॉब अटैच किया, इसके नीचे अंडर लाइन लगा दी सेंटर वाले के ऊपर और दूसरे वालों के साथ अटैच करने के साथ इसकी तरफ मूव करके आगे जहां पे ये दोनों इसको इंटरसेक्ट कर रहे थे, तीनों के कॉमन पॉइंट को जहां पे मिल रहे थे, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की और उसकी कंडीशंस की, और उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम की। तो अभी का ये जो हमारा लेक्चर है यहाँ पे ख़त्म होता है, तो तब तक के लिए भाई अल्लाह हाफिज़।